हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हम कैप्सूल खाते हैं वो हमेशा दो कलर के ही क्यों होते हैं, एक कलर का क्यों नहीं होते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, आप लोग कभी ना कभी तो बीमार तो पड़े ही होंगे, कभी मौसम बदलने के चक्कर में, तो कभी गलत सलत खाने के चक्कर में। कारण कुछ भी हो, लेकिन बीमारी का आना जाना तो लगा ही रहता है, और आजकल तो ये ज़्यादा ही चल रहा है। तो बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जी हमें पुड़िया में बांध कर दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों में टैबलेट, कैप्सूल और गोलियाँ होती हैं। तो टैबलेट तो एक ही कलर का होता है, बट कैप्सूल जो होते हैं वो हमेशा दो कलर में ही क्यों दिए जाते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कैप्सूल के हमेशा दो हिस्से होते हैं, वो सेम साइज़ के नहीं होते। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये मालूम हुआ होगा कि कैप्सूल का एक भाग बड़ा होता है और दूसरा छोटा। इन दोनों को ही जोड़ करके एक कैप्सूल तैयार किया जाता है। जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसमें दवाइयाँ स्टोर की जाती है, जिसे हम कंटेनर बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा उसका कैप कहलाता है, जिससे कैप्सूल के मुंह को बंद किया जाता है। तो अब इन कैप्सूल में दवा भरने का काम चाहे मशीन करे या फिर वर्कर, अलग अलग साइज की पहचान तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि दवा भरने के लिए बड़ा हिस्सा जो कंटेनर होता है उसको नीचे रखा जाता है ताकि उसमें दवा को डाला जा सके। वही कैप जो जब छोटा वाला कहते हैं उसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि उसे उसके ऊपर लगाया जाता है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ हजारों लाखों दवाइयाँ एक साथ बनाई जा रही हो, वहाँ इन दोनों हिस्सों को एक साथ मिक्स हो जाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। मसलन अगर उठा उठा कर हर हिस्से की अलग अलग पहचान की जाए तब तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा टाइम में कम दवाइयाँ बनेंगी। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कैप्सूल के दोनों हिस्सों को अलग अलग रंग का बनाया जाता है। ऐसे करने के कुछ और भी फायदे होते हैं, क्योंकि रंग बिरंगे कैप्सूल दवा खाने में आनाकानी करने वाले बच्चों को भी आकर्षित करते हैं, और दवा कंपनियों को अपनी दवा की अलग पहचान के लिए कई सारे कलर कॉम्बिनेशन भी प्रदान करते हैं। सो मेन रीज़न तो आपको पता चल ही गया होगा कि दवाइयों के ढक्कन, कंटेनर और ढक्कन को पहचानने के लिए अलग अलग कैप्सूल को रंगा जाता है अलग अलग रंगों से। तो गाइज, ये रीज़न था कि हम कैप्सूल को अलग अलग रंगों से क्यों रंगते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।